मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न अबाउट द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स एंड रिगार्डेड दैट टॉपिक आई हैड गिवन यू दिस ब्लैंक्स इन होमवर्क. सो नाउ लेट्स डू दिस ब्लैंक. द फर्स्ट ब्लैंक इज The second generation of computer was from blank to blank. What is the duration of second generation computer? Yes, of course, 1959 to 1964. The second one is the blank helped computers to become faster, reliable, smaller and cheaper. In this generation computer, what is used that make the computer faster, reliable, smaller and cheaper? क्या use हुआ था जिसकी वजह से ये जनरेशन को कंप्यूटर में ये फीचर्स मिले? वेरी गुड. ट्रांजिस्टर्स. TRANSISTOR. ट्रांजिस्टर. The first computer of blank generation was developed for atomic energy industry. कौन सी generation का first computer atomic energy industry के एम से developed हुआ था? Very good, second generation. Computer of second generation was developed for atomic energy industry. Blank and blank are the example of second generation computers. Which two are the example of second generation computer? Yes, IBM 140 and Mark 3. IBM 140 Mark 3. So student, check this answer in your book. Whether any answer is wrong, please make that correct. Now students, our next point is third generation computers. इस lecture में हम third generation computer के बारे में पढ़ेंगे. Its duration is 1965 to 1970. इसका जो समय है वो 1965 से लेके 1970 तक का है. दिस एरा वॉज इम्पोर्टेंट एज इट शो द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी. ये जो एरा है वो वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास है, क्योंकि इस एरा में आईसी का डेवलपमेंट हुआ है. आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड CIR CUITS सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट
का डेवलपमेंट हुआ है। आईसी इज ऑल्सो कोल्ड चिप, आईसी को चिप भी बोलते हैं, आईसी को चिप भी बोलते हैं। इट मार्क्ड अ ब्रेक थ्रू इन एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये आईसी का डेवलपमेंट होने का एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है कंप्यूटर में, ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कुड बी एकोमोडेटेड इन टू अ स्मॉल चिप ऑफ आईसी। दिस आईसी इस आईसी की बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इस आईसी में स्थान दिया गया है, जो एक बहुत ही स्मॉल चिप है। कंप्यूटर्स बिकेम मोर कॉम्पैक्ट, कॉस्ट केम डाउन एंड बिकेम मोर एफिशिएंट। आईसी का यूज होने के कारण कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट मीन्स बहुत छोटे हो गए, छोटे होते गए, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई एंड बहुत ही एफिशिएंट बन गए। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हम फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज यूज्ड। फर्स्ट फीचर क्या है कि इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है। द साइज बिकम स्मॉलर। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की साइज कैसी हो गई है, स्मॉलर हो गई है, छोटी हो गई है। द स्पीड बिकम फास्टर। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन की स्पीड है वो फास्ट हो गई है। बिकम चीपर देन एवर, वो चीपर भी हो गया है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से ये जनरेशन का कंप्यूटर चीपर भी हो गया है, यानी सस्ता भी हो गया। आईसीएल, सीडीसी, आईएम 360 ये सारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल है। ये जो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन में आएंगे, थर्ड जनरेशन में आएंगे। समझ में आ रहा है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये समझा था कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वो फर्स्ट जनरेशन, मदर फादर मीन्स पेरेंट्स सेकंड जनरेशन एंड चिल्ड्रन आर इन थर्ड जनरेशन। दैट टाइम वी आर नाउ लर्निंग अबाउट थर्ड जनरेशन। सो दीज आईसीएल, सीडीसी, आईबीएम 360 दीज आर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। We had learned that in third generation computer, IC used. So, the first IC was developed in 1950s by Jack Kilbey and Robert Noyce. इस एरा में आईसी यूज हुआ, तो फर्स्ट आईसी कब बना, व्हेन, तो इन 1950s। हु इन्वेंटेड आईसी, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। दीज टू इन्वेंटर्स are invented
computers instead of punch card and printouts, user interacted through keyboards and monitors and interfaced with an operating system. थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड और प्रिंट आउट यूज करने की जगह पर क्या यूज होने लगा? जो यूजर है, कंप्यूटर का यूज करने वाले यूजर्स है, उन लोगों ने पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह पर कीबोर्ड एंड मॉनिटर से इंटरेक्टेड करने का चालू किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने लगे। तो इन सारी चीजों से ही पता चलता है कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में थोड़ा सुधार आया, थर्ड जनरेशन उन दोनों जनरेशन से और अच्छा डेवलपमेंट की हुई है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन। इन दिस जनरेशन व्हाट एवर इंफॉर्मेशन आई हैड गिवन टू यू रिगार्डेड दैट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू सम वर्क। अभी ये थर्ड जनरेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा, इन सब से इन टॉपिक से मैं आप लोगों को कुछ वर्क देती हूँ जो आपको करना है। So students, this is the homework for your this lecture's topic, the third generation computer. Third generation computers के topic पर जो हमने कुछ पढ़ा उसके base पर ये question मैंने लिखे है, वो आपको होमवर्क में करने हैं। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन होमवर्क नोटबुक एज वेल एज इन क्लासवर्क नोटबुक। पेरेंट इफ दे कैन नॉट फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, प्लीज हेल्प देम, गिव देम हिंट, मेक देम रीड एंड make them do their work their own. And complete this work, because I will going to check this work when the child will come to school. जब आप लोग स्कूल आओगे तब मैं ये सारा वर्क चेक करूंगी।